आज की ये वीडियो एक एप्लीकेशन रिव्यू वीडियो है, जिसमें आज मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप खुद के मीम्स या फिर मेमेज जिसे आप कहते हैं वो आप क्रिएट कर पाएंगे अपने फ्रेंड्स के ऊपर या फिर किसी के भी ऊपर जिस पर आप चाहते हैं। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सुयश और आप देख रहे हैं एसजी टेक्निकल्स यूट्यूब चैनल। सो जो हमारी एप्लीकेशन है उसका नेम है मीम जनरेटर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर फ्रीली अवेलेबल है, सो इजीली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये अराउंड 70 MB की आपको मिलती है। सो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन में जाएंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है। इस एप्लीकेशन में आपको ऊपर की साइड 4 टैब्स मिलते हैं, जिसमें पहला है ऑल का, सेकंड है न्यू का, जिसमें आपको सारे न्यू मीम्स के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे जिनमें आप अपना टेक्स्ट ऐड करके अपना एक न्यू मीम बना सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो थर्ड ऑप्शन मिलता है वो है पॉपुलर का, जिसमें सारे पॉपुलर मीम्स के फॉर्मेट मिल जाते हैं। एंड जो नेक्स्ट है वो है फेवरेट का, जिसमें आप अपने मनपसंद जो कि फॉर्मेट्स हैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी फॉर्मेट में आप मीम को बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा एंड अगर आप उससे रिलेटेड मीम्स देखना चाहते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है एग्जाम्पल का। जैसे आप उस पर टैप करते जाएंगे आपके पास यहाँ पे न्यू एग्जाम्पल्स आते जाएंगे। अगर आप किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग या फिर अलाइनमेंट या फिर उसका साइज़ या फिर कुछ और भी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट है उस पर टैप करना है। उसके बाद ऊपर एक ऑप्शन है, जैसे आप उस पर जाएंगे आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट सेटिंग्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रीसेट्स का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें जो प्री लोडेड यहाँ पे सेटिंग्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें स्टिकर्स ऐड करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है नीचे की राइट साइड में, जहाँ पे जाकर आप अमेजिंग स्टिकर्स जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको एक स्टिकर ऐड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप इन फॉर्मेट से इमेज को किसी को क्रॉप करना चाहते हैं एंड उसको कहीं और यूज़ करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर आपको ऊपर की साइड ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ऊपर के 3 ऑप्शंस हैं, उनमें एक जो सेकंड ऑप्शन है वो है क्रॉप का, जहाँ पर जाके आप किसी भी पोर्शन को ईजिली क्रॉप कर पाएंगे। आपको यहाँ पर रेशियोज़ के कुछ यहाँ पर प्रीसेट्स दिए गए हैं। ऊपर की साइड जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पर जाके आप इसमें बॉर्डर सेट कर सकते हैं एंड उसके जो कलर हैं वो भी आप ईजिली यहाँ पर चेंज कर पाएंगे बॉर्डर कलर वाले ऑप्शन में जाकर। इसके अलावा इसमें आपको बॉटम के साइड नीचे लेफ्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है अंडू का, जहाँ पर जाके आप अपने चेंजेस इजीली कर पाएंगे। उसके अलावा ऊपर की साइड थोड़ा सा आपको ड्राई इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर जाके आप इसमें जो मीम है आपका उसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं ब्लैक एंड वाइट या फिर कोई भी जो आपको पसंद हो। एंड फाइनली आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट करने के बाद इसको अपनी गैलरी में सेव करने का या डायरेक्टली FB या फिर Instagram पर शेयर करने का। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।